पानीपत के गांव पसीना कला में स्थित रुद्राक्ष इंटरनेशनल फैक्ट्री में पिछले 6 महीने से काम करने वाले अशोक नामक व्यक्ति की अचानक करंट लगने से मौत हो गई। फैक्ट्री में मौके पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री में बिजली की तारें खुली थी, जिनके चलते वह अशोक उनकी चपेट में आ गया। फैक्ट्री मजदूरों ने मामले की सूचना फैक्ट्री के मालिक को दी और जिसके बाद फैक्ट्री मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम पानीपत के सामान्य अस्पताल में करवाया और शव परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं फैक्ट्री मालिक ने भी मजदूर अशोक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। क्या हुआ, मैंने माल बल्ले तक सफाई कर रहा था, अचानक से वो उसमें करंट आया, मैं करंट मार के वहीं पे गिर गया। जब आदमी निकला, उसको बाहर निकला तो इंतजार देखने लगा, मास्टर आएंगे, सुपरवाइजर आएंगे, ठेकेदार आएंगे, वहीं पर दम तोड़ रही है, अरे साहब मिले हैं निकल पुरवाई है। मालिक मालिक ही कहेगा ना, जो बैंक कहीं भी तार इधर छोड़ देते हैं, उधर खुल देते हैं, खुल देते रहते हैं, तो वर्कर का नुकसान था। ये बिहार से भी है, बिहार से रहने वाले हैं। फैक्ट्री में ऐसी है, ये अशोक नाम का लड़का फैक्ट्री में अगस्त माह से ये अपना प्राइवेट में मजदूरी वगैरह किया करता था, धागे का काम, वहाँ जैसे रोजाना की तरह अपना काम करके इसमें फैक्ट्री की फ्रेम की साफ सफाई करके अपना लेट गया था। वो फ्रेम बंद था जिसके पास लेटे हुआ था, अचानक उसमें कोई इलेक्ट्रिक शार्ट है, जैसे उसका पैर लग गया नींद के उसमें, और पहले से वो इलेक्ट्रिक किसी उसकी कमी के कारण उसमें करंट आ रहा था, और जिस करंट के लगने से वो है अपना दुरान इलाज जीएस पानीपत में एक्सपायर हो। पानीपत से अजार टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन रितेश कुमार के साथ सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।